करेंगे और खाते खाते जो मैं कहने वाला हूं वो भी सुनाएं। आज 72वां दिन है और आज की विशेषता है कि 4:30 बजे एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। राहुल गांधी जी उसके पहले 4:45 बजे को संत गजानन महाराज मंदिर जाएंगे और वहाँ 20-25 मिनट रहकर वो 4:30 बजे तक रैली स्थल पर पहुँचेंगे। आज सुबह का 14 किलोमीटर का यात्रा था, कई लोग मिले, हरियाणा से कांग्रेस कार्यकर्ता नेता आए थे, महाराष्ट्र के कई नेता मौजूद थे, झारखंड के नेता कांग्रेस नेता मौजूद थे और तुषार गांधी जो महात्मा गांधी के ग्रेट ग्रैंडसन हैं वो भी आज राहुल गांधी जी के साथ चले। अभी कल जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी है, कल देश भर के हमारे कांग्रेस के MLA MP महिला MLA जो पंचायत और नगर पालिकाओं में चुनकर आए हैं महिलाएं कांग्रेस के सिंबल पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस के सारे महिला कार्यकर्ता और नेता मौजूद होंगे और कल महिला शक्ति का एक अनोखा प्रदर्शन होगा क्योंकि कल 105वां जयंती है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का। मैं ये बात भी कह दूं आज कि स्वतंत्र भारत में पहली बार महिलाओं के बारे में एक आयोजन गठन किया गया था, एक समिति बनाई गई थी और 1974 में उस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को सौंपा और वो रिपोर्ट का नाम था स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया। उस पर काफ़ी कुछ चर्चा हुई, काफ़ी बहस हुई पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर और अंत में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे पंचायत संस्थाओं में 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया। इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट लाया गया। पंचायत और जिला परिषदों में ब्लॉक लेवल समितियों में 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया और 74वां अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट द्वारा नगर पालिकाओं में 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया। ये जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे पहली बार ये संशोधन बिल पार्लियामेंट में लाया गया, तब इलेक्शन आई और कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में नहीं आई और अंत में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे 1993 में तब ये 73rd और 74th अमेंडमेंट पारित हुआ जिसके तहत 1/3 महिलाएं चुनकर आई हैं। आज हमारे देश में चुने हुए महिला प्रतिनिधि पंचायतों में और नगर पालिकाओं में करीब 40% से भी ऊपर है और महाराष्ट्र में 50% और ये सीधा हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत 1974 में इंदिरा गांधी जी ने किया था तो राजीव गांधी ने उसको आगे ले चले पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास नहीं कर पाए क्योंकि वो चुनाव हार गए थे और उसके बाद ये 19वां जो
1993 में जब नरसिम्हा राव जी थे ये अमेंडमेंट पारित हुआ लोकसभा में और राज्यसभा में। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये क्रांतिकारी कदम है। किसी और देश में इतने चुने हुए महिला प्रतिनिधि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं है जितने कि हमारे देश में है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि कल महाराष्ट्र में जो महिलाएं चुनकर आई हैं, महाराष्ट्र के जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके भी सदस्य इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं और सारा दिन कल सुबह का और कल शाम का महिलाओं का ही पद यात्रा होगा और यह महिला शक्ति का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ सवाल करने हैं मैं उन सवालों को जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कचौड़ी के पहले हाँ यस सुधीर या लेट मी वन सेकंड सुधीर, कल कई लोग सवाल नहीं पूछ पाए, अगर आप पूछना चाहते हैं आज पूछ लें। वेल यू नो दीज आर मैटर्स ऑफ हिस्ट्री एंड दीज आर हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज and I think there are differences in perspectives, differences in opinion. This morning I spoke to Mr. Sanjay Rawat who has a completely different view on Veer Savarkar and we agreed to disagree and he refuted the impression given that this issue will weaken the MVA. He said it's got nothing to do with the MVA. These are his views, these are the views of his leader. Fine, our party has a different view, our party has a different perspective and we should debate, we should discuss. So you know these are matters of record, these are matters of history. The Congress party, unlike the BJP, does not believe in rewriting or whitewashing history. If there is historical evidence, that is historical evidence. We don't distort history. We don't rewrite history. We don't reinvent history. History is history. Itihas, itihas. मेरी आज सुबह संजय राउत से बात हुई है और लंबी बात हुई है। मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे पीछे बैठते हैं राज्यसभा में और कई सालों से मैं उनको जानता हूं। जब मैं पर्यावरण मंत्री था मेरे एक बहुत महत्वपूर्ण समर्थक सामना था, सामना में उनका लेख छपता था, तब से मैं जानता हूं उनको। मेरी लंबी बात हुई और उन्होंने कहा देखिए जो मेरे मन में है मैंने कहा है, जो आपके नेता के मन में है उन्होंने कहा है, पर इससे एमवीए को कुछ लेना देना नहीं है। अलग विचार है, अलग नज़रिया है, अलग दृष्टिकोण है और ये वास्तविक है। एमवीए तो 3 साल हुए बने और पहले शिवसेना और कांग्रेस अलग अलग, हम राजनीतिक विरोधी थे और हम एमवीए में शामिल हुए। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया और उसके आधार पर हमने सरकार भी बनाई। तो मैंने उनसे पूछा कि कहा जा रहा है कि आप सोच रहे हैं कि ये एमवीए को कमज़ोर करेगा, एमवीए को डिस्टेबलाइज करेगा, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, ये अलग विचार है, अलग विचार है, हम बात करेंगे। लेकिन भाजपा मन से इसमें ज़्यादा नहीं, देखिए हमारे पोस्टर कर्नाटक में भी फाड़े गए थे, हमारे खिलाफ बीजेपी ने
खूब प्रचार किया कर्नाटक में, पर कर्नाटक की जनता ने उनका सही और कड़ा जवाब दिया। मैं समझता हूँ ये पोस्टर फाड़े जाएंगे, काले झंडे दिखाए जाएंगे, बयान दे दिया जाएगा, पर महाराष्ट्र की जनता ने नांदेड़ में, हिंगोली में, वाशिम में, अकोला में और बुल्ढाना में जवाब दे दिया है, भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। तो भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक ही मुद्दे का यात्रा नहीं है। ठीक है, ये मुद्दा आ गया है, पिछले 24 घंटे से लोग इसी की बात कर रहे हैं और इसका एक नतीजा ये भी हुआ है कि जो अखबार और जो मीडिया हमें भारत जोड़ो यात्रा को कवर नहीं कर रहे थे उनको भी कवर करना पड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा। मैंने कई अखबारें देखे हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को कहीं 18 पेज में या 17 पेज में लगा दिया है, पर सावरकर के मुद्दे को लेकर उन्होंने कुछ मुख्य न्यूज़ छापे हैं। तो ऐसा नहीं है, तो ठीक, इसमें विवाद उठा है, हम इस विवाद से एक मिनट में इस विवाद से भाग नहीं रहे, पर अभी आज देखिए, आज हम आज का दिन सावरकर का दिन नहीं है, आज का दिन संत गजानन महाराज का दिन है। इसी दीज आर हिस्टोरिकल फिगर्स, दीज आर हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज। आई कैन एंगेज विद समबडी ऑन द हिस्टोरिकल लीगेसी ऑफ वीर सावरकर, बट देर आर सर्टन फैक्ट्स दैट नोबडी कैन डिनाई। वीर सावरकर एंड मोहम्मद अली जिन्ना वर द टू फादर्स ऑफ द टू नेशन थियोरी। Congress party did not invent two nation theory. It was Veer Savarkar in 1922 who invented, who put forward the idea of a two nation theory, and this was the policy of the Muslim League. This is fact number one that cannot be erased. Fact number two, which cannot be erased from history, RSS did not support Bharat Chodo. I don't expect RSS to support Bharat Jodo when they did not support Bharat Chodo. 1942 में RSS ने क्विट इंडिया का विरोध किया, शामिल नहीं, ऐसा नहीं है कि वो शामिल नहीं थे, एक्टिवली उन्होंने इसका विरोध किया, ये भी इतिहास है। और तीसरा इतिहास है बंगाल में जब सरकार बनी, जनसंघ के जो फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ एक सरकार बनाई पश्चिम बंगाल में, और बंगाल का विभाजन के लिए सबसे आक्रामक प्रवक्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसकी वकालत करते थे, ये सब इतिहास है। पर देखिए, ये इतिहास को हम ठंडे दिल से हमें बात करना चाहिए। ये सोशल मीडिया में आता रहेगा, मीडिया में बयान छपते रहेंगे, पर भारत जोड़ो यात्रा का इसे कोई लेना देना नहीं है। राहुल जी ने सिर्फ ये कहा था कि बिरसा मुंडा रांची जेल में 25 साल के उम्र में शहीद हुए कि उन्होंने अंग्रेजों के साथ कुछ समझौता नहीं किया। ये इतिहास है, इस पर कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। मर्सी पिटिशन के बारे में कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। तो मेरे आपसे यही गुजारिश है कि हो गया सावरकर का, और कल संयोग से आप जानते हैं वाड़ेगांव, नो व्हाट इज द प्लेस विलेज वाड़ेगांव, वाड़ेगांव में उसी के वही दिन 17 नवंबर 1933 में गांधी जी वहीं थे, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और सावरकर का जिक्र बहुत हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आज हम संत गजानन महाराज को याद करें और भारत जोड़ो यात्रा को आगे ले चलें। और यस मैम,
I'm not able to hear you properly, ma'am. टू पॉइंट हो नहीं 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 मैंने कोई टू पॉइंट हो का नहीं 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 सुनिए अभी भारत जोड़ो यात्रा 1.0 चल रहा है। हाँ, इसके साथ साथ नहीं, मैं आपको बता दूं क्या क्या है। एक तो अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, 72 दिन हो गए हैं, ये कन्याकुमारी टू कश्मीर है। इसके साथ साथ 4-5 राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। 31 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा शुरू हुआ, 1 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा असम शुरू हुआ, कल भारत जोड़ो यात्रा त्रिपुरा शुरू होगा और 28 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम बंगाल और भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत हो। ये भारत जोड़ो यात्रा, मेन भारत जोड़ो यात्रा चलता रहेगा, पर इसके साथ साथ इन राज्यों में भी राज्य के स्तर पर सीमित होकर ये भारत जोड़ो यात्रा निकाले जाएंगे हमारे पार्टी संगठन की ओर से। अगले साल हो सकता है, मैं नहीं कोई ये नहीं गारंटी नहीं दे रहा हूं, हो सकता है ये यात्रा दक्षिण से लेकर उत्तर भारत की है, हो सकता है अगले साल हम पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी भारत तक एक और भारत यात्रा निकालें, हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। क्योंकि हमें जनता से जो रिस्पांस मिला है, जो समर्थन मिला है और जिस तरीके से कांग्रेस की छवि में सुधार आई है, परिवर्तन आया है, मैं समझता हूँ ये यात्रा को हमें बरकरार रखना होगा। क्योंकि ये यात्रा एक तरीका है पार्टी संगठन को जनता के सामने जाने का, जनता के बीच में संपर्क करने का और जो असली मुद्दे हैं हमारे देश के सामने, जो हम पार्लियामेंट में नहीं उठा पाते हैं। राहुल जी ने क्या कहा, हम पार्लियामेंट में चीन के बारे में बोल ही नहीं सकते, महंगाई पर बहस ही नहीं होती है, बेरोजगारी पर बहस ही नहीं होती है, सीमाओं पर जो स्थिति है उस पर बहस ही नहीं होती है, प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट आते ही नहीं है और जो बिल पास होते हैं बिना कोई अध्ययन के, बिना कोई विश्लेषण के बिल पास किए जाते हैं। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि हमें एक तरीका ढूंढना है जो हम जनता के साथ सीधे संपर्क में रह सकते हैं और यात्रा वो एक ऐसा तरीका है। वेस्ट टू ईस्ट हो सकता है, मैंने इस पर ज्यादा अभी सोचा नहीं है, पर हो सकता है कि अगले साल हम ये करें। और क्योंकि भूगोल ऐसी है, वो पूरा पद यात्रा नहीं हो पाएगा, वो हाइब्रिड यात्रा हो पाएगा, यानी कि कुछ ऐसी इलाके हैं जहां आप पद यात्रा कर सकते हैं पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आपको, जहां जंगल इलाका है। यहां भी अकोला में कुछ 20-25 किलोमीटर फॉरेस्ट, 16 किलोमीटर जंगल इलाका था, हम चल नहीं पाए, वहां हमें बस से जाना पड़ा। तो जब हम पश्चिम से पूर्व जाएंगे, कई ऐसे इलाके रहेंगे जहां जंगल इलाके हैं या बड़े बड़े नदियां हैं, तो इस पर हमने अभी तक कुछ कोई इस पर गहरा अध्ययन नहीं किया है। पर मैंने कहा है, खुद कहा है, राहुल जी से भी ये सवाल पूछा गया था दिल्ली में एक मीटिंग में, और उन्होंने कहा, किसी ने कहा क्या आप पश्चिम से पूर्वी पदयात्रा करेंगे, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम इस पर सोचेंगे। There is no systematic effort to target anybody. We are just, these are just historical facts. I mean, look, I don't want to get into a historical analysis of Savarkar. There are many people who have written books on Savarkar. 2 recent biographies of Savarkar, one by Vaibhav Purandare and another one by Vikram Sampath, have come out. Both, you know, they take different positions on Savarkar. These are historical facts.
So I don't think, I think, you know, Bharat Jodo Yatra, it was a comment made by Mr. Rahul Gandhi in the context of how Birsa Munda, 25 years old, fighting the British on Jal, Jungle and Zameen, did not compromise with the British, which is a fact. And he compared it with Mr. Savarkar, who gave a massive petition, which is also a fact. Let me also tell you, since you have raised this question, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak was sent to Mandalay Jail for 6 years, 1908 to 1914. He did not give a mercy petition. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, the one of the greatest Indians of the late 19th and early 20th century. And it was Mahatma Gandhi who gave him the title of Lokmanya. And so Lokmanya Tilak did not give a mercy petition. So I think, you know, these are issues that we should discuss coolly, dispassionately, in a scholarly way, because there are, you know, pros and cons, there is historical evidence, there is archival material. But the fact is, Nathuram Godse was influenced by Veer Savarkar. Mr. Veer Savarkar may not have pulled the trigger that killed Mahatma Gandhi, that was Godse's, but there was an ideology behind the killing of Mahatma Gandhi, to which Veer Savarkar subscribed. There's also evidence to show that in 1909, when Curzon Wiley was shot in London by Madanlal Dhingra, you know, Veer Savarkar, who was, you know, one of the intellectual think tanks of Madanlal Dhingra. But, you know, these are issues that are not central to Bharat Jodo Yatra. What is Bharat Jodo Yatra? We are talking of today, not what happened 50 years ago, 60 years ago, 100 years ago. We are talking of economic inequality today. Aaj jo aarthik vishamta hai, uske baare mein hum baat kar rahe hain. Aaj jo dhruvikaran ho raha hai, dharm ke naam par, jati ke naam par, bhasha ke naam par, us par hum chitta jata rahe hain. Aur aaj jo rajnitik tanashahi hum dekh rahe hain, us par hum chitta jata rahe hain. Jis tarike se aaj samvidhan ka nazarandaz kiya ja raha hai, us par hum chitta jata rahe hain. तो मेरे मीडिया से भी गुजारिश है, आप एक इश्यू को लेकर उसको चलाते रहते हैं, पर मुख्य मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा का भारत का इतिहास नहीं है, भारत का मौजूदगी स्थिति और भारत वर्तमान स्थिति और भारत का भविष्य के बारे में भारत जोड़ो यात्रा चिंता जता रही है। अरे सावरकर को छोड़ो यार, अभी सावरकर छोड़ो, भारत जोड़ो यार। लेकिन राहुल गांधी जी ने इस बार क्यों यात्रा शुरू होते हुए क्यों ये बयान किया गया? नहीं नहीं, आप देखिए, आप थे जब बिरसा मुंडा जयंती में उन्होंने कहा, अभी हो गया है। सावरकर पर जितना कहना है सभी पक्षों ने कह दिया है, वो अलग 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 विचार है, अलग अलग तरीके हैं करने, पार्लियामेंट में भी बहस हुआ है, पार्लियामेंट के बाहर बहस हो रहा, जिनको प्रदर्शन करना है वो करें, जिनको काले झंडे दिखाना है वो करें, जिनको भारत जोड़ो यात्रा को रोकना है वो प्रयास करें, पर भारत जोड़ो यात्रा चलता रहेगा। इट इज नॉट ऑन सावरकर बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सावरकर, ये क्या है यार? नहीं नहीं, अभी छोड़ो सावरकर, अभी सावरकर क्या बहुत हो गया। चलो, I don't want to get into a discussion on historical personalities. Please let us, आज जो आज की स्थिति है, मौजूदा स्थिति, और भारत के भविष्य में हम बात करें, भारत का इतिहास अलग से हम बात करेंगे। अभी शेगांव की कचौड़ी खाइए, चलिए।
राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी के बारे में हर एक भारत यात्री को चिंता है, हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता को चिंता है। उनके परिवार में उनकी दादी और उनके पिताजी शहीद हुए हैं और हमेशा रोज उनकी सिक्योरिटी पर चिंता हम पर हमें है। और कभी कभी यात्रा में भी जो सिक्योरिटी की पाबंदी है, कभी कभी वो प्रयास करते हैं, राहुल जी इतनी उत्साह के साथ वो लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं, लोगों के बीच में चला जाना चाहते हैं, और कभी कभी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी घबरा जाते हैं। तो ये वास्तविक है, पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए राहुल जी की सिक्योरिटी में हम कोई समझौता नहीं कर सकते। No compromise on Rahul ji's security. You wait in the afternoon, no? Then you ask me this question tomorrow. You have another opportunity tomorrow to meet me. You have an opportunity on 20th also to meet me. You won't get rid of me so easily. तो आज शाम को आप इंतजार कीजिए, जो कहेंगे विदर्भ के बारे में वो कहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से, जिस उत्साह से कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, मैं समझता हूं कभी नहीं दिखा गया। पिछले 10-15 साल में मैंने तो नहीं देखा है। सभी नेता, सभी कार्यकर्ता जिले के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, पदाधिकारी भी नहीं, कार्यकर्ता, कई लोग आपस में मतभेद होते रहते हैं, पर एकता और एकजुटता दोनों हमें दिखाई दे रहा है, उत्साह दिखाई दे रहा है, नई जान दिखाई दे रही है, हम महसूस कर रहे हैं। तो इसका फॉलोअप क्या होगा, इसका असर क्या होगा, चुनाव पर क्या इसका असर होगा, वो अलग बात है। संगठन में इसका क्या असर होगा वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही हम बता पाएंगे। वो तो संगठन पर निर्भर है ना। संगठन, राहुल जी ने एक दरवाजा खोला है, भारत जोड़ो यात्रा ने एक दरवाजा खोला है हमारे लिए। अभी हमें जनता के बीच में जाना है। हमने प्रयास की है भारत जोड़ो यात्रा में, आपने देखा होगा हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, वो पैम्फलेट बांट रहे हैं, पर पैम्फलेट बांटना अभी एक तरीका है। हमारे सोशल मीडिया में हमें और कुछ बहुत चीज करने हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा का संदेश हम कैसे पहुंचाएं, क्योंकि आजकल का जमाना पढ़ने का जमाना नहीं है, पेपर पढ़ने का जमाना नहीं है, दस्तावेज पढ़ने का जमाना नहीं, आजकल का जमाना तो स्क्रीन देखने का जमाना है। तो हमें, मुझे तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमें 2024 का चुनाव ये स्मार्टफोन का चुनाव होगा। हर एक के पास ये स्मार्टफोन है, और कैसे हम इस स्मार्टफोन के माध्यम से जो भारत जोड़ो यात्रा में हमने मुद्दे उठाए हैं उसको हम कैसे पहुंचाएं, इस पर हमें विचार करना हो ही होगा। एक दादरला की पुण्याला कल्पना आहे का?
इन्फॉर्मेशन, मुझे कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। ठीक है यार, इसके बाद